टेस्टर जमा हो रहे हैं। और ये देखिए बिल वापसी घर वापसी अगर शिकायत किसी का तो गोली तो पहली गोली मैं खाऊंगा। ये देखिए घर वापसी तमाम तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ। आंदोलन जो है वो फिर से सवाल पर है। मैं गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। राकेश टिकैत लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, देखिए। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ गाजीपुर बॉर्डर की, जहाँ काफी संख्या में लोग हैं, लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए तमाम चैनल से लोग बातचीत कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। 1 जनवरी की शाम है ये, और किसान आंदोलन का तस्वीर दिखा रहा हूँ। काफी संख्या में लोग जो है अभी भी किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं, तो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। लगातार किसान आंदोलन की वीडियो दिखा रहा हूँ, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि किस तरह से लोग लगातार जमे हुए हैं, बने हुए हैं। राकेश जी का इतना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर वो समझौते के लिए तैयार नहीं है, जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएंगे। तो गाजीपुर की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको इस समय, और लोगों का जत्था फिर से आ रहा है, उमड़ रहा है, फिर उसी तरह से लोग जो है वो एक्टिव हो गए हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, जिस तरह से किसान आंदोलन जो है वो एक बार फिर से सवाब पर है, और किसानों का ये आंदोलन जो है वो लगातार मैसिव होता जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे गाजीपुर बॉर्डर से, जहाँ किसानों का जत्था आना जाना देखिए लगातार शुरू है, और पहले जैसी रौनक आ रही है। देखिए तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किसान एकता जिंदाबाद लोग कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत से मेरी अभी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो ये तस्वीरें हैं शाम की, आपको दिखा रहा हूँ गाजीपुर बॉर्डर से। देखिए इस तरह से अलाव ताप जा रहे हैं, और किसान जो हैं वो लगातार जमे हुए हैं, और अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, और वो दिल्ली अब कुछ करने के मूड में नहीं है, आंदोलन लंबा चलेगा। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए गाड़ियों का जनसैलाब है, काफिला है, लेकिन जिस तरह से फेंसिंग लगाई गई है सिक्योरिटी के नाम पर वो काफी है, और समर्थकों को नहीं आने दिया जा रहा है, लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे गाजीपुर बॉर्डर से, जहाँ काफ़ी संख्या में किसान फिर से जुट गए हैं। तो ये तस्वीरें हैं शाम की, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग लगातार किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, युवाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ रही है। तो फिर से आंदोलन रिस्टोर हो गया है, ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन एक बार फिर से पलटी मारी है, रुख पलटा है। और 26 जनवरी के बाद जिस तरह से मीडिया ने ह्यूमिलिएट किया था, मीडिया की कोशिश थी कि इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए, राकेश टिकैत के एक आंसू ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा था आपको गाजीपुर बॉर्डर से। आप भेजे कि हम मिलने को तैयार हैं, कोई तारीख कंडीशनल नहीं, पिछली भी तारीख आपकी तरफ से गई थी? नहीं नहीं, उन्हीं की। आपके बारे में बड़े बड़े अखबारों में हेडिंग छपी है, हेडलाइंस है कि आपने कहा है कि हम किसी भी बीच के रास्ते के लिए तैयार हैं। मतलब जो आप लोग कह रहे थे कि बिल वापसी हो और एमएसपी पर कानून, सामने घर वापसी, बिल वापसी, तो क्या वो झूठी खबर छापी जा रही है आपके हवाले से है? अगर हमने कोई रास्ता बता दिया, रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा ना, या बगैर उसके बातचीत निकल जाएगा। तो अगर समझने का हेर फेर अगर नहीं उसको समझे तो मेरे पे तो कोई इलाज नहीं। मतलब 18 महीने वाला प्रपोजल 36 महीने कर दिया जाए तो वो नहीं, वो ये कहा है कि बातचीत शुरू होनी चाहिए, बातचीत से ही समाधान निकला। सूत्र बता रहे हैं कि मोदी जी से आपकी सीधी बातचीत हो रही है फोन से। फोन कहाँ है, फोन नंबर तो हम तलाश कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि फोन पे बात कर ले, वो फोन नंबर सार्वजनिक कर दिया जा, हम भी कर लेंगे। कुछ चर्चा ऐसी थी कि 2 तारीख को शायद कोई बात होने वाली है आपके? नहीं, अभी ना हमारे उससे नहीं, ये भी हमने सुना था, लेकिन जो वहाँ हमारा ऑफिस है, जो कमेटी के लोग है, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं। ये नया फेंसिंग जो आपके पीछे है और जो किले लगाई जा रही है सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये तो सील कर दी दिल्ली, ये तो दिल्ली को अपने आप किले में तब्दील कर रहे, किस चीज का डर रहे ने? हम क्या जा रहे हैं पूरे को खोल दो, जब भी नहीं जाता किसान। प्रशासन ये कह रहा है कि आपकी 1 फरवरी की कॉल थी संसद घेराव की, हालांकि आपने उसे वापस ले लिया, लेकिन वो सीरियस ले रहे हैं उसको? नहीं नहीं, सीरियस लेने की जरूरत नहीं, ऐसा थोड़ा। प्रशासन कह रहा है उसके एहतियात पे किया, तो क्या कल खोल लेंगे इसको? कल ये आश्वासन देंगे कि जो कटीले तार, जो पूर्ण उससे प्रतिबंधित तार है, ये प्रतिबंधित है, खेत में लगा, जो खेत में अगर लगाता है तो इसके ऊपर जेल होती है। जो नागरिकों की पत्थरबाजी है और जो कहा जा रहा है कि आप लोग वैसे आम नागरिकों को परेशानी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? पत्थरबाजी कौन कर रहा है? पत्थरबाजी करने वालों की वही जांच होनी। बजट में डेढ़ गुना है, उसमें पिछले कई सालों की एमएसपी को लेकर गिनाया गया है सरकार की तरफ से कि आय बढ़ाई है, उन्होंने खर्च ज्यादा किया है, ऐसा दिखाया गया है, करोड़ों का हिसाब किताब टोटल दिखाया है। कागजों में तो दिखाते हैं उसमें भाई, उस कागजों में दिखावे
हम कह रहे हैं एमएसपी पर कानून बना दो, कानून बनाते नहीं। हजारों ट्रक हर रोज उत्तर प्रदेश और बिहार से पंजाब और हरियाणा में जाता है, क्योंकि वहाँ पे एमएसपी है, आधे रेट में खरीद जाता है, पूरा व्यापारियों ने लूट लिया। इसलिए हम कहते हैं कि एमएसपी पर कानून बनाए। फसलों की एमएसपी भी डेढ़ गुना बढ़ाई गई, लागत से लागत का डेढ़ गुना, लागत का डेढ़ गुना। सीटो प्लस 50 की बात हुई थी, उससे 3100 रुपए के आसपास गेहूँ का रेट बढ़ता है, वो नहीं बढ़ाए गए, सिर्फ कागजों में दिखाते हैं, ना बढ़ाते ना खरीद कर। भुगतान को लेकर सरकार तो 5-6 नंबर दे देंगे, जब उन्हें लिखत पढ़ी इतने तो कोई आदमी पास तो कर दो 33 नंबर से। निर्मला सीतारमन ने कहा जो फाइनेंस मिनिस्टर है कि ये किसानों का बजट है, पास कैसे करते हैं डिपार्टमेंट? हाँ नहीं, 28 नंबर देंगे सर। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ये किसानों का बजट है, आप लोग मालामाल हैं, वो पेपर देना पड़ेगा डिपार्टमेंट का, पेपर देना। निर्मला सीतारमन ने कहा ये किसानों का बजट है, आप लोग मालामाल हो जाएंगे, इससे पहले कभी ऐसा बजट नहीं था। सब फार्मूला है, हमें भी तो बता दो ना, हम भी तो बार बार कह देंगे फार्मूला। डेढ़ साल वाली जो बातचीत थी वो बरकरार रही, आगे क्या आप लोग उस पे? नहीं नहीं, हमें वो नहीं। नहीं नहीं, वो गलत तरीके का वो करा गया, वो यहाँ के अधिकारी का फोन था और उसको हम कह रहे थे कि हमारी जो सुविधाएं हुई आप, वो किसने गलत वो करके योगी जी का फोन वो लगा के जब उन्होंने वो करा, वो योगी जी से बात की। संगठन अभी 40 ही है या अभी ऊपर या नीचे कुछ बात करेंगे? क्योंकि देखिए संगठन को लेकर बीच में एक तरह की खबरें आई थी कि कुछ वापस ले चुके हैं, हालांकि फिर वापस वो जुड़ते चले गए, तो क्या बढ़ गए हैं या घट गए हैं संगठन? कितने संगठन बात कर रहे हैं? नहीं, बात तो 40 लोगों की कमेटी है, उसमें कर रहे हैं बातचीत, उसमें कर रहे हैं, वो पूरा जो कमेटी वहाँ की है वो तय करेगी उसमें। क्योंकि लास्ट बातचीत सरकार ने जो कहा था आप लोगों से हुई थी कि तारीख आपको निकालनी है, तो अब आप तारीख निकाल रहे हैं? तारीख नहीं, तारीख उनको देनी पड़ेगी। एक पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है सिंघू बॉर्डर से, उसकी तो लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, और कौन लड़ेगा? अगर हमारे पक्ष में कोई पत्रकार दिखा होगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। आपने भी तो अतीत कर रखी थी सारे पत्रकारों ने, आप भी तो यहाँ से खबरों को कहीं ना कहीं बयानों को थोड़ा सा कटा और दिखा दिया। हमने एक हाथ दिखाओ जो कुछ दिखाना, प्रेस का तो हम धन्यवाद कर रहे हैं भाई, ऊपर भगवान है नीचे प्रेस है हमारी, उसी ने तो मदद कर रही है, हम तो धन्यवाद कर रहे हैं। किसान जाएगा नहीं तो जब ये जब बैरिकेड लगा दिया गया तो आपके राशन कैसे आ रहे हैं और आपके समर्थन कैसे आ रहे हैं? राशन से थोड़ा आता है, राशन तो इधर जाता है, राशन आपूर्ति में फर्क नहीं है अभी के लिए, अभी के लिए राशन आपूर्ति में फर्क नहीं है। टिकैत साहब, आपने आज स्टेज में कहा था कि 40 लाख ट्रैक्टर का कुछ प्लान आपने ऑल ओवर इंडिया, उसके बारे में बताएं? वो तो यात्रा निकाल लेंगे हम, कोई समय निश्चित हुआ उसके लिए? कब? अभी नहीं, वो यात्रा रहेगी जब हम यहाँ से चले जाएंगे, हम हार कर जाएं या जीत कर जाएं, अमृतसर का भी ठीक है, यहाँ से जाएंगे, पहले हम यहाँ से अमृतसर जाएंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे, उसके बाद में और जगह जाएंगे। रात हम मंदिर चले गए थे, लेकिन हम मुजफ्फरनगर की सीमा में नहीं जाएंगे, पहले गृह जनपद नहीं जाएंगे, गृह जनपद नहीं, पहले वहाँ जाएंगे, फिर गृह जनपद जाएंगे, फिर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे पूरे देश में किसान संगठनों को जोड़ने के लिए। जो 40 लाख ट्रैक्टरों की बात करिए, वो पूरे ट्रैक्टर होंगे कि एक जिले से दूसरे जिले में ट्रैक्टर चलते रहेंगे, उन्हीं जिलों वो कहाँ उसी जिले का ट्रैक्टर, एक जिले का ट्रैक्टर एक ही जिले में रहेगा, फिर अपना घर जाओ, यात्रा चलती रहेगी। तो उस तरह आप रोज कैब बदल रहे हैं सर, आपकी टोपी रोज बदल रही है, आज हिमाचली है कल कुछ और, लोग आते हैं वे कहें जी हम, या ये राजनीति है? आप राजनीति कहेंगे? अच्छा, कोई प्यार से लेकर आ गया क्या हिमाचल का किसान? नहीं, मैं तो हिमाचल का अभी उत्तराखंड का हूँ, मैं तो देश का किसान हूँ, कोई प्यार से जाकर देता है तो संस्कृति का संगम। हाँ, संस्कृति है तो हमारे देश, जब सरकार चाहेगी जब बोलेगी भाई के आसपास यहाँ पे हो गया कि धरना चला हुआ है, और आज तो अजीब हालात यहाँ पे देखने को मिले। कभी हम अगर रास्ता हमने बंद कर दिया तो पुलिस प्रशासन खुलवाने पे के रास्ते बंद करके, आज तो पूरी जो एम्बुलेंस लाइन है ऊपर की, जिसमें को 2 महीने से पूरा एम्बुलेंस चलती थी, जो उत्तराखंड की लाइफ लाइन थी मेडिकल की, उसको बंद करा दिल्ली पुलिस ने। वहां पे इस तरह के जो कटीले तार हैं ये लगाए, और 3 रोड को, जिस रोड को हमने छोड़ रखा है
उन सारे की सारी रोड पे कटीले तार लगा के आने जाने का जनता का रास्ता रोकने का काम कर जा रहा है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार जो यहाँ पे व्यवस्था कर रहे पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिससे जनता दुखी हो और जनता हमको कहे कि आप हमको दुखी कर रहे हो। हमारी जनता से अपील है, हम दुखी नहीं कर रहे, आपकी जो रोड थी वे रोड पूरी खुली हुई है, दिल्ली पुलिस ने पूरी रोड को ब्लॉक किया हुआ है, उनसे आप कहो कि हमारी जो रोड थी वे खुलने जाए, जो उन्होंने बंद करके दीवारें चिन्ह दी उस पर, तो ये पूर्ण रूप से गलत चीज है। सरकार से हमारा ये है कि किसान ने पहले भी वो दिया था कि बातचीत से इसका समाधान निकलेगा, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, एमएसपी पर कानून, और जो बजट की बहुत बड़ी उम्मीद आज सरकार से थी वो हुई नहीं, सिर्फ बजट में भाव के इशू पे कोई बातचीत नहीं है, कर्जा लेने पे बढ़ाने पे बातचीत है, क्या देश के किसान को कर्जे से उसका घर चलेगा? डिजिटल इंडिया कैंपेन की बात करी गई है, ई मंडियों की बात करी गई है, हमने बहुत पहले से हम ये कह रहे हैं कि हमको भी डिजिटल इंडिया कैंपेन का हिस्सा बनवा दो, हमारा भी गन्ने का दूसरे फसलों का भुगतान उस माध्यम से करवाओ, जैसे हम तेल लेते हैं वो कार्ड से लेते हैं, ऐसे ही हमारा जब गन्ना किसान तोल दे, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, उस पर कोई रेट नहीं डला, यहाँ लेते बिजली के रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महंगे, यहाँ पे बहुत सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार पहले देती थी, अब वे सुविधाएं हटा रखी है, दिल्ली से पूरी पाबंदी कर दी है, तार लगा दी, आदमी भी नहीं जा सकता, तो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार पहले यहाँ पे सुविधा जो किसान क्रांति गेट गाजीपुर है इस पर सुविधा देती थी, हमें आज भी उन वही सुविधाएं वहां से चाहिए। अधिकारियों का जो तालमेल हमारे कमेटी के साथ में था वो बना रखे, यहाँ की सफाई की व्यवस्था, यहाँ की पानी की व्यवस्था उसी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। बजट पूर्ण रूप से फेलियर बजट साबित हुआ है, उसको एक सिरे से किसान उसको नकारता है, और सरकार से यह है कि सरकार अगर बातचीत के लिए तैयार है तो किसान की जो कमेटी है वो भी बात को करेगी। आप बातचीत को तस्वीरें दिखाई है और मैं अम्बेडकर नामा के लिए वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्टर रतन लाल चलाते हैं अम्बेडकर नामा, उसको भी आप लोग लगातार देखिए, नेशनल दस्तक को भी देखिए, डॉक्टर और डॉक्टर रतन लाल की जो कोशिश है अम्बेडकर नामा उसको भी लगातार आप देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, देश की शान।